क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन डिस्कशन है कि थ्योरी है? डिस्कशन है। दो दिन लगातार मैंने कहा था कि डिस्कशन चलेगा, फिर डिस्कशन तोड़ तोड़ के चलेगा।
इधर कुछ क्वेश्चन शायद बना हो। कहां तक कर चुके थे? सेवेंटीन हो गया था, ब्रैक्स लॉ छोड़ना है, 19 हो गया था, 20 ऐसा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में आया था, 20 ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। और जब हम फाउंडेशन वाइज में 11 में एडमिशन लेते हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए, ऐसे कई क्वेश्चन है, सबका जवाब एक जगह मिल जाएगा। 20 एक सैंपल है Fe 0.93 एंड O, ये कैसे बनता है ये मैं उस दिन एक्सप्लेन किया था कि इसमें Fe3+ एंड Fe2+ होता है। पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ आयरन Fe3+ में कितना है, ये आपसे पूछा गया। परसेंटेज ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe3+ प्रियांशु को पूछना है बेटा। तो इसको बनाने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान तरीका यह देखा हूं कि मान लीजिए इसके 100 यूनिट ले लिए, तो 100 यूनिट जब लिए हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 93 समझने के लिए कह रहे, और ऑक्सीजन आपको 100 हो जाएगी। अब इसमें मान लीजिए कि Fe3+ वाला X है, Fe2+ वाला कितना हो जाएगा, 93 टोटल है में से ये X है, तो ये 93-X हो जाएगा। अब चार्ज, कंपाउंड तो पूरा न्यूट्रल है इसलिए चार्ज देखिए, +3 चार्ज है X एटम का, +2 चार्ज है 93-X का, -2 चार्ज है 100 ऑक्सीजन, नेट लेकिन न्यूट्रल। सॉल्व किए थे, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, ये उस साइड ले जाएगी, 200-2 × 93 200-186 यानी कि 14, यानी कि आपको ये 14 है और ये कितना होता है 93-14 = 2। इसीलिए टोटल 93 है जिसमें Fe3+14 है, परसेंट कितना हो जाएगा 14/93 × 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। यस, आप एक्स एंड वाई लेकर के बना सकते हो सुमित, लेकिन इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि एक वेरिएबल होता है और तुरंत आ जाता है। ट्वेंटी वन ये तो कॉपी में लिखा हुआ है आपको, 22 ये तो बनाए होंगे आप, 93 है जिसमें से Fe3+ वाला कितना है 14 है, तो परसेंट कैसे निकालो, 93 का 14 सृष्टि,
ये तो सोचने का है बस। नहीं, जूनियर क्लासेस में लेते थे, 100 लेकर के कोई चीज क्वेश्चन बनाते थे तो समझ में ज्यादा आता था, बस ले लिए कि इसका 100 यूनिट मेरे टुकड़े में है तो 100 × 20 सृष्टि। ट्वेंटी टू का आंसर सही दिया हुआ है, किसी को पूछना है पूछो, 22 का आंसर सही दिया हुआ, करेक्ट दिया हुआ। देखो इसमें टचिंग कंडीशन ये आर एंड आर, यानी कि 4R इज इक्वल टू √2 × L। तो यहां से L आ जाएगा 2√2R। इफेक्टिवली इसके अंदर में कितने एटम्स, एक प्लस ये 90 डिग्री, 4 एटम है और सबका 1/4, तो 1, 1, 2। इसीलिए पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 2 एटम का एरिया बाई टोटल एरिया, 2 × π r² by 2√2r का स्क्वायर, 2π/8, π/4। ये तो पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। 24 25 24 58.8 ग्राम NaCl दिया गया। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने, चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, 58.8, 58.5। फिर निकालते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट,
जो NaCl है क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब इतने मॉलिक्यूल होंगे एक यूनिट सेल में चार NaCl होते तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएंगे 1/4 ऑफ 58.8 by 58.5 into 6.022 × 10⁻¹⁰. नीलु नीलू पहले नंबर ऑफ मोल निकाले, मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ NaCl यूनिट निकाल लिया और फिर हर यूनिट सेल में चार होता है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल चार से डिवाइड करेंगे आ जाए, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल with density D and cell age is picometer. सेंटीमीटर आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटम क्या है, देखो आपको मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्यों ना निकाल लिया जाए, वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी, मास है बाय 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर के बाद वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम अब आपको पता चल चुका है। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल
10 by 10 ये नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एफसीसी में चार आइटम होता है, इसीलिए नंबर ऑफ आइटम्स आपको बताएगा 4 × 10/8 ठीक है, कोई है ऐसा? बी ऐसा चॉइस है? आंसर में 0.5 है तो 10 रेस टू दी पावर पावर भी देखो आस्था, जिस तरह से बनाने का इच्छा है बना सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ये तो क्लास में करवाया हुआ है, 28 भी क्लास में करवाया हुआ है। ट्राइगोनल वॉइड्स याद आया? 28 ट्राइगोनल वॉइड्स करवाए थे ना थ्योरी में, डायग्राम थोड़ा गलत ये लोग दिए हुए हैं, डायग्राम होना चाहिए था जो बड़ा वाला जो लिखा हुआ है तीनों आइटम एक्स वाई जेड, वो आपको ए माइनस होगा, और जो छोटा वाला लिखा हुआ है बीच में एकदम छोटा सा वो बी प्लस है, तो डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है, बाकी वही है ट्राइगोनल वॉइड जो हम ऑलरेडी थ्योरी में कर चुके हैं। अरे वो डायग्राम गलत बनाए हैं बस, ठीक है प्रियांशु, डायग्राम बस थोड़ा गलत बना हुआ है, वही चीज जो ट्राइगोनल वॉइड में मैंने पढ़ाया था। 29 30 सुनो ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है, और आइसोमेरिज्म हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये वहीं पर हम कर ले तो ज्यादा अच्छा रहे, ये वहां पर आता ही है, बिना प्लेन ऑफ सिमेट्री सीखे हुए तरह तरह का आपको वो टॉपिक ही नहीं आगे बढ़ेगा, तो आइसोमेरिज्म का पार्ट है वहां पर ही आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन करा दूं। 31 ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी किए थे, 32 भी वही क्वेश्चन है जो हम अभी किए थे, 33
In an atomic BCC, what fraction of age is not covered by atoms? ये तो कर सकते हैं. BCC जब करते हैं तो BCC में टचिंग कंडीशन कहां होता है? अलोंग द क्यूब डायगोनल. तो ये जगह तो खाली रह जाता है उसमें. मान लो ये एज लेंथ ए है, रेडियस आर है, तो ये खाली जगह कितना होगा? नॉट कवर्ड कितना होगा? ए माइनस टू आर. फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका? ए माइनस टू आर पूरा कितना है? अब बीसीसी में हम लोग पढ़ते हैं टचिंग कंडीशन अलोंग दी क्यूब डायगोनल, यानी कि 4r इज इक्वल टू रूट थ्री ए. यहां से आपको 2r बराबर आ जाएगा रूट थ्री ए बाय टू. यहां रख दीजिए a माइनस टू आर को रख दीजिए रूट थ्री ए बाय टू बाई ए. सॉल्व करिए, वन माइनस रूट थ्री बाई टू, यही आपका आंसर हो जाएगा. तो परसेंटेज निकालने हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33, 34 कोई बनाए हो? चलिए 34 देखा जाए. पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक मतलब केवल कॉर्नर्स पर एक एक एटम मौजूद है जिनका रेडियस आर, और इसके अलावा इसमें एक और चीज एन इंटर स्टीशियल एटम एट द बॉडी सेंटर, यही है. यानी कि यहां ये तो है ही, साथ साथ में एक ये भी, समझ गए? दो चीज यहां पड़ा हुआ है. और अब हमें निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन. देखा जाए सिंपल क्यूबिक में होने के नाते टचिंग कंडीशन आपको अलोंग दी एजेस होगा, होगा कि नहीं होगा?
यानी कि a बराबर 2r होगा पक्का, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में ठीक है। तो जो एटम बॉडी सेंटर पर रखा गया है, जो एटम बॉडी सेंटर पर रखा गया है, मान लो ये एटम बॉडी सेंटर पर रखा गया है, ये भी टचिंग कंडीशन में होना चाहिए, ये है कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर, लेकिन ये तो आर आर होगा दूसरा एटम, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से रूट थ्री आर, रूट थ्री ए क्यूब का डायगोनल रूट थ्री ए होता है, दो बार कैपिटल आर और दो बार स्मॉल आर है ना। यहां से टू आर रूट थ्री ए माइनस टू आर के बराबर हो, रूट थ्री ए माइनस टू आर यानी ए 0.732 a, ये 2r होगा, आर कितना होगा 0.366 a और ये r कितना होगा 0.5 a। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, ये एटम की जगह घेरेगा एक एटम 4/3 pi r³ बड़ा एटम है, प्लस एक एटम ये भी होगा 1 × 4/3 pi r³ पाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है 4/3 pi r³ + r³ / a³ वैल्यू पुट करिए 4/3 pi r बड़ा वाला 0.5 का क्यूब प्लस 0.366 का क्यूब a³ / a³, यही से आपको जवाब मिलना चाहिए। मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, पूछा तो आ ही जाए, 0.5 का क्यूब प्लस 4 / 3 0.72896 देखिए तो कोई है ऐसा चॉइस,
हो गया। थर्टी फाइव बीसीसी में है और यह भी लिखा है कि एडजेसेंट कॉर्नर पर जो एटम मौजूद है ये डिस्टेंस 60.3 पिकोमीटर लिखा है। एटॉमिक वेट ए का 48, डेंसिटी क्या होगा ऑप्शन 6। डेंसिटी होता है जेड इंटू एन ए इंटू ए। बीसीसी होने के कारण जेड का वैल्यू 2 होगा। एम इज गिवन, एवोगाड्रो नंबर यू नो। अगर हम ए का वैल्यू निकाल दें तो आप यहां काम करो। थोड़ी देर पहले मैं आपको ये निकालना सिखाया था, अभी ना सिखाए थे। ए माइनस टू आर बाई ए इज इक्वल टू 60.3। 60.3 पिकोमीटर को असली में सेंटीमीटर में चेंज करो। तो 60.3 × 10^-12 मीटर, 60.3 × 10^-10 सेंटीमीटर, 0.603 यही है। और इसका वैल्यू a माइनस रूट थ्री ए बाई टू बाई ए था। अच्छा फ्रैक्शन थोड़ा ही निकालना है, हमें तो डायरेक्ट निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, a इंटू वन माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू 0.603 10^-8 सेंटीमीटर।
कितना हो जाएगा 0.603 10 रेस टू द पावर माइनस 8 बाय 1 माइनस रूट 3 बाय 2 ए मिल गया। इस एक में यहां रखिएगा आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है सुमित कुमार, मैं पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल रहा हूं, मैं डेंसिटी ही निकाल रहा हूं। बढ़िया से देखो फॉर्मूला। सुमित ओके थर्टी सिक्स सिमिलर क्वेश्चन है। 37 ये पहले कर चुके हैं क्वेश्चन आर्गन वाला, हूबहू सेम क्वेश्चन है ये। 38 ये अच्छा क्वेश्चन। 38 देखो जो मैं आपको शीट दिया हूं इसका क्वेश्चन एवरेज लेवल से ऊपर है इसलिए थोड़ा आपको डिफिकल्टी महसूस हो रहा है। ठीक है नॉर्मल सीट उठाइएगा तुरंत बन जाएगा आपसे। थर्टी एट फर्स्ट थ्री नियरेस्ट नेबर्स डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा सबसे नजदीक एटम बॉडी सेंटर में कौन होता है जी, जहां टचिंग कंडीशन होगा कौन होगा, जहां टचिंग कंडीशन होगा क्यों नहीं पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, सब पूछ सकता है। फर्स्ट थ्री नियरेस्ट नेबर्स, फर्स्ट थ्री नियरेस्ट नेबर्स बीसीसी में कहा होगा, एक जहां टचिंग कंडीशन, तो टचिंग कंडीशन कहा होता है अलोंग द क्यूब डायगोनल, और अलोंग द क्यूब डायगोनल जब ले रहे हैं तो एक डायग्राम बना दिया जाए। और एक बॉडी सेंटर पर और इस तरह से टचिंग कंडीशन। ठीक है अब आपको सबसे नजदीक कौन एटम होगा, ये दोनों तो एक डिस्टेंस पर होगा। ठीक है लेकिन क्यूब डायगोनल चूंकि ये दोनों टच नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा दूर, टच कहां करेगा,
ये टच करेगा आपको अलोंग द क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल होता है कितना? रूट थ्री ए, ये क्यूब डायगोनल। यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस टू रूट थ्री ए होता है, तो यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट थ्री ए बाई टू। सबसे नजदीक एटम यही पर होता है। इसके बाद इसके नजदीक तो यही लोग दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से, इसके साथ ये, इसके साथ सारे लोग कितने ही दूरी पर। इसके साथ इसको अगर देखें तो ए डिस्टेंस पर हो, और अगर इसके साथ इसको देख ले तो रूट टू ए डिस्टेंस पर। ए से छोटा, ए से बड़ा। थर्टी नाइन, थर्टी नाइन, फोर्टी, फोर्टी वन, थर्टी नाइन, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ क्रिस्टल हैविंग फॉर्मूला मास ए बी। ये तो निकाल सकते थे बेटा, मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। देखो 5 ग्राम है, मैं 40 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, और रॉक सॉल्ट में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम जो आए हैं उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। आस्था, आस्था, फोर्टी, एकदम आ जाएगा। देखिए NaCl जैसा है, मैं प्रोसेस बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है, प्रोसेस से भी आप लोग कर लीजिए। डेंसिटी दे दिया है NaCl जैसा है, यानी जेड का वैल्यू 4 होगा, कैडमियम लगता है 114 कुछ होता होगा, देख लीजिएगा, प्लस 16 बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू एज लेंथ का होल क्यूब, ये आपको एज लेंथ दे देगा। अब NaCl में क्या होता है, अगर NaCl का एक एज लेते हैं तो Cl माइनस, Cl माइनस एंड सोडियम प्लस होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन 2 टाइम्स, रेडियस ऑफ कटाइन 2 टाइम्स इज इक्वल टू एज लेंथ। आपको ये यहां से पता चल चुका है, ये पता चल चुका है, क्या ये निकाल सकते हैं? पीयूष, आंसर आ जाता है, मैं चेक कर चुका हूं। पीयूष, छ
छवि वीडियो शेयर किया जाता है ना बार बार देखने के लिए, देखिएगा ठीक है। फोर्टी वन आ जाता है पीयूष, मैं चेक कर चुका हूं, आंसर आ जाता है 1.1 एंगस्ट्रम आता है, मैं कल ही बनाया हूं पीयूष, आंसर आ जाता है एग्जैक्ट आता है 41। प्रियांशु मैथमेटिक्स लगाओ, चलिए देखा जाए। एक मिनट हमको रेस्ट ले लेने के, थोड़ा लगातार क्लास ले रहे, थोड़ा पानी पी। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा पानी हट रहा है, बहुत दिन बाद ऑनलाइन क्लास के कारण मिल गया, ब्रेक खाली खाने का मिला। हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, बता दे रहे, बता दे रहे, पूरा बताएंगे, थोड़ा सा हिंट क्यों देंगे। कहाँ गया क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन किताब घर में छूट जाता है, मोबाइल में देखते हैं। केसीएल क्रिस्टलाइजेशन, इन द सेम टाइप ऑफ द लैटिस एज जस्ट इट्स, ठीक है, ये भी दिया है कि Na प्लस Cl माइनस 0.5 और रेडियस ऑफ Na प्लस K प्लस 0.7। पूछा है
रेडियस KCl का एज लेंथ और NaCl का एज लेंथ पूछा गया, और तो कुछ है नहीं। देखते हैं, हम बोल तो दिए। देखो एज लेंथ क्या होता है, थोड़े देर पहले बताया, टू टाइम्स रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, पहले बता रहे थे NaCl के केस, टू टाइम्स रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन, अभी बता रहे थे। बस अब इसी को यूज करके सॉल्व कर, तो Cl माइनस यहां दोनों जगह सबको Na प्लस में कन्वर्ट कर लिया जाए, हम किसी में भी करिएगा वो वही करना होगा आपको। इनको डिवाइड कर दीजिए दोनों, आ जाएगा Na प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस जीरो पॉइंट फाइव बाई जीरो पॉइंट सेवन, तो रेडियस ऑफ K प्लस फाइव बाई सेवन। अब रेडियस ऑफ K प्लस कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए, फाइव बाई सेवन इंटू रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस बाई Na प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, तो फाइव बाई सेवन प्लस वन जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन, प्रियांशु बनेगा। अब इन सब का कोई मेथड नहीं होता है जी, बॉली कहां से आ रहा है कुछ पता नहीं है, खाली बॉल बैट पे आ जाना चाहिए, कोई मेथड नहीं इन सबको होता है। 42 42 43 43 44 45 44, मतलब विजय कुमार मैथमेटिक्स तुम जानते हो और क्वेश्चन हमसे पूछोगे, हाँ हाँ पूछते जाओ पूछते जाओ। 44, अरे तो तुम लोग में मैथमेटिक्स जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC लैटिस वुड बी, बाप इतना चाह देगा लगता है। अगर हम FCC स्ट्रक्चर लेते हैं, FCC लेते क्या दे दिया, मैं इमेजिन करवा रहा हूं, एक बोर्ड पर डायग्राम बनाता हूं, कुछ तो पता चलेगा। थक गया हूं, अगले दिन से लगातार तीन पीरियड बोल दूंगा नहीं लेने की। अब तो आप लोग को सब कोचिंग खोलने के लिए कह रहा है, सब लोग कह दिया है कि हम जुलाई में कोचिंग खोल ही देंगे, कोई नहीं रोक सकता, मैंने सब लोग कह रहा है तो सब लोग खोल देगा,
तो हमको भी खोलना पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसी महीना के लास्ट जाते जाते एक सप्ताह में खुल जाएगा। देखिए कुछ लोग 1 जुलाई के एक सप्ताह पहले से खोलने के लिए भी कह रहे हैं, इंतजार नहीं रखा होए जाए, क्या उसको कहते हैं इंतजार की घड़ी, क्या उसको कहते हैं, इंतजार नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मूवी वगैरह बोलता है। डिस्टेंस बिटवीन, देखो एक डायग्राम पहले बनाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। कौन एटम कहां होता है ये सब तो आपको पता है। मान लीजिए कि ये एक क्यूब डायगोनल है, ठीक है, आपको तो पता है कि इस कॉर्नर से थोड़ा पहले एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और इस क्यूब डायगोनल के बीचों बीच जो कि क्यूब सेंटर है या बॉडी सेंटर, यहां पर आपका मौजूद होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ लिया गया। तो कोई मैथमेटिक्स लगा सकते हो? मैथ में सबसे तेज तुम लोग में कौन है? अंकुश सुनते हैं बहुत मैथ बनाता है, कहाँ है अंकुश? जुनैद बहुत मैथ बनाता है, तो जुनैद कहाँ है? सुमित कहाँ है? सुमित चलिए यही चीज हमें इसमें निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, मैं ही निकाल देता हूं, देखते हैं। मैथ बहुत पहले बहुत आता था, अब इधर 15-20 साल से नहीं उतना यूज कर रहे थे, भूल भाल गए। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, झाना सर को बुला लेंगे तो झाना सर ही तुम लोग को बदले परीक्षा में बैठेंगे। प्रियांशु सोचिए क्या करना है। क्वेश्चन तो यही है भाई, देखिए कैसे बनेगा। ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है? तो आपको डायग्राम में मैं बताया होऊंगा कि एक छोटा एटम होता है और उससे ऊपर एक बड़ा एटम होता है, एक बड़ा एटम यहां होता है, एक बड़ा एटम यहां होता है और एक बड़ा एटम यहां, याद आया?
तो असल में आपको ये एटम यहां है और ये एटम आपको यहां रखा हुआ है और टचिंग कंडीशन इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर, यानी यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आर प्लस आर होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। यहां से यहां का डिस्टेंस आर प्लस आर होगा, यही वो डिस्टेंस आर प्लस आर। ये आर प्लस आर कितना होता है तो देख लेते हैं। आर तो आर होता है और ये होता है आर बाई आर इक्वल टू 0.225। देखे तो कॉपी है किसी के पास? देखे तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कोई एटम रखा जाए तो उसका कितना डिस्टेंस होता है, रेशियो रेडियस रेशियो क्या होता है? 0.115 में चलिए तो यहां से स्मॉल आर आपको आ जाएगा 0.225 आर, यानी कि 1.225 आर। ठीक है, और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? रूट 3a/2। क्यूब डायगोनल कितना होता है? रूट 3a। हाफ कितना होगा? रूट 3a/2। रूट 3a/2 में से इसको घटा देना है, रूट 3a/2 में से इस वाले पोर्शन को घटा देना है। इसमें टचिंग कंडीशन कहां होता है? टचिंग कंडीशन होता है कि बड़ा एटम एफसीसी में अलोंग दी फेस डायगोनल टच करता है। बड़ा एटम एफसीसी में अलोंग दी फेस डायगोनल टच करता है, यानी कि वहां कंडीशन लगेगा रूट 2 इज इक्वल टू 4 आर। नहीं रखने में अलोंग दी फेस डायगोनल टच करता है तो यहां से आपको आ जाएगा आर इज इक्वल टू रूट 2a/4, यानी a/2 रूट 2। उसको यहां रख दीजिए 1.225 आर का वैल्यू a/2। तो सॉल्व कर लिया जाए 1.225 डिवाइडेड बाय 1.414 0.866 a/2। 0.866 होता है रूट 3/2 इंटू a/2, यानी कि रूट 3a/4। इसको यहां रख दीजिए रूट 3a/4, यानी कि रूट 3a/4 आपको आएगा। देखे तो कोई है चॉइस? देखो सिनेमा में डायलॉग है, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली ना, है? कोई सिनेमा में कोई डायलॉग बोला, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। यस, ऑक्टाहेड्रल एज सेंटर पर भी होता है और उससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों एक ही जैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है,
हो गया। मैंने क्या किया, मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं। ये एफसीसी का अरेंजमेंट है जिसमें एक क्यूब डायगोनल मैंने बनाया है। क्यूब का सेंटर पर एफसीसी जो होता है उसका क्यूब का सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और सभी कॉर्नर का थोड़ा सा पहले एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड असल में ऐसा कुछ होता है जो यहाँ लगा होता है सभी कॉर्नर्स पर होता है, जिसको मैं बड़ा डायग्राम करके बना दूंगा। ये जो बड़ा एटम है ये आपका होस्ट एटम है और जो छोटा एटम जो वॉइड पर रखा जाएगा वो आपका गेस्ट एटम है, ठीक है। यही डिस्टेंस होगा यहाँ से इसका, क्योंकि ये टचिंग कंडीशन में, तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा, आर प्लस आर, यानी आर प्लस छोटा आर। छोटा आर कितना होता है यहाँ से निकालेंगे, ये होता है। अब मैथ का खेला है कि ये रूट थ्री ए बाई फोर आ जाए, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव। अरे ये क्वेश्चन तो वही है बेटा जो ऊपर किए थे। 46, ग्रेफाइट हैज एचसीपी अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स। देख रहे हैं बेटा, सब क्वेश्चन तो इनका दमदार ही है, माने ऐसा तो है नहीं एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन कि देखेंगे तो एक बार में बन जाए। सब क्वेश्चन में जबरदस्त ठूस दिए हैं। कल से हम लोग थ्योरी भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेनली यही क्वेश्चन थे और इतना अगर बन गया तो फिर आगे भी थोड़ा बनने लगेगा आपसे। एचसीपी तो ये होता है एंड द पैरेलल प्लेन्स आर 3.35 एंगस्ट्रम अपार्ट, डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट है बेटा। तो एच सी पी अरेंजमेंट में क्या होता है, हमें दो चीज पता होता है, इसमें पैरेलल फेस लिखा है ये वाला हाइट वो दिया है पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, यानी कि ये रूट टू बाई थ्री इंटू फोर आर जो हम लोग लिखते थे वो दिया हुआ। तब तो सब बन जाएगा, ये जो लिखते थे ना हाइट बेटा जो याद करने के लिए कहे थे स्क्वायर रूट टू बाई थ्री फोर आर, ये आपको दे दिया गया है, तो इससे रेडियस आर भी निकल जाएगा, तो एज लेंथ भी निकल जाएगा, तो एस एरिया भी निकल जाएगा,
और हाइट भी निकल जाएगा। अब आप जेड का वैल्यू 6 लेकर के बना सकते हो, है ना, 47 ए सब। तो अब आप लोग बहादुर बन गए होंगे, 48 ए भी बना लिए होंगे, 48। मिलर इंडेसेस के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये मत छोड़िएगा, ये मिलर इंडेसेस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन है। कल से हम लोग मेनली थ्योरी निकालेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन इसका लेते रहेंगे, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी का अगर इच्छा हो तो बना लीजिएगा, बन जाएगा वैसे वहां सारा चीज, वहां दिक्कत आपको ना घबरा दो। A crystal is made of particles x, y, and z. X FCC बनाता है, यानी कि चार आइटम होते हैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होता है। यानी कि ये भी चार हो, जेड टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई करा तो 8 होगा। जो प्लेन दिखाया उसके अलावा मैं भगा दिया हूं। तो पूछा गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, उस प्लेन के अलावा कौन कौन आएगा ये हमें देखना हो, तो माइनस करिए। एफसीसी का मतलब क्या होता है, एफसीसी का मतलब होता है आठों कॉर्नर्स पर। आठ कॉर्नर का मतलब चार कॉर्नर तो इस प्लेन में आ गए, तो चार कॉर्नर का 1/8 एटम भाग गया। एफसीसी का मतलब होता है आठ कॉर्नर्स में से चार कॉर्नर तो यहां आ गए, तो चार कॉर्नर्स का 1/8 हटा दिया गया। के साथ साथ एफसीसी में फेस सेंटर पर भी आप जाते हो, फेस सेंटर पर आप देख लो बेटा, फेस सेंटर, हां मैं सब एक, अरे मैं स्टूडेंट की तरह नहीं ना बताता हूं साकिब, मैं टीचर की तरह बताता हूं ताकि सबको समझ में आए। स्टूडेंट की तरह बताना होता तो हम बनाते ना, तो तुम लोगों को पता भी नहीं चलता। और फेस सेंटर कितना आया, एक हमारी तरफ एक आपकी तरफ वाले, दो आइटम, तो दो आइटम है 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन वाला। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सभी एज सेंटर पर होते हैं और क्यूब सेंटर पर होते हैं, तो कितना एज सेंटर यहां आया, एक ऊपर में और एक नीचे में, तो माइनस कर दीजिए, दो आया एज सेंटर और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, और एक जो रखा हुआ है क्यूब के सेंटर पर वो भी हट जाएगा। अब आ गई टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये कितना आता है, चार में से 1/2 गया और एक गया,
तीन में से यानी कि 5/2 है, यह कितना हो जाएगा? यह भी लग रहा है 5/2। अब रहा आपको टीवी, तो टीवी पर एक भी आइटम नहीं हटेगी, इसलिए 8 हैं, हटेंगे देखते, 1, 2, 3, 4 आइटम हटेंगे इसमें। टीवी पर इसके 4 आइटम हटेंगे, एक इस कॉर्नर से आते हुए, एक इस कॉर्नर से आते हुए, एक उस कॉर्नर, 4 हटेंगे इसमें। 8 - 4 यानी कि 4 उसमें। फॉर्मूला हो जाएगा x 5/2, y 5/2, z 4, x 5, y 5, z 8। कल से मैक्सिमम 20 मिनट्स लेंगे असाइनमेंट, ठीक है? चूंकि इतना बनाने के बाद अब आपका दिमाग बहुत खुल चुका है, अब बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेंगे। आज यहां पर क्लास रोकते हैं बेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टीवी फेस सेंटर पर नहीं होता है बेटा। प्रियांशु, लो मुझे मिट